बख़ैर, आज इधर कैमरॉन हाईलैंड से हमारी वापसी है वापस कुआलालंपुर की जाने, क्योंकि कल फ्लाइट है बैक टू पाकिस्तान। और आज यहाँ जाने से पहले यहाँ पे एक जंगल है बहुत ही मशहूर, मोजी फॉरेस्ट, और ये एक काईज़दा जंगल है। इसके ऊपर आपको प्योर वो नज़र आएगा कि शायद सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं, वो काई सब्ज रंग की हर एक चीज़ पे छाई। और इस तक पहुँचने के लिए जो रोड है ये भी बहुत तंग है और डेंजरस है। ये तल्हा भाई आपको दिखाएंगे कि बाज़ औक़ात आगे से आने वाली गाड़ी के लिए रुकना पड़ता है। अब ये तो पूरा ट्रैक बन गया, दो गाड़ियाँ आ सकती हैं। आप सामने पहाड़ों पे भी देखिए बागात हैं आई थिंक चाय के, और बाज़ औक़ात हमें इन जगह रास्तों पे रुकना पड़ता है। ये बहुत तंग रोड है और तकरीबन मेन रोड से 8 किलोमीटर अंदर की जानेब है। वहाँ पहुँच के आपको ज़रा काई ज़्यादा जंगल भी दिखाते हैं, उसकी एंट्रेंस फीस कितनी है और क्या कुछ है देखने के लिए स्पेशल किस्म का, और हो सकता है कि वहाँ पे कोई उसकी हिस्ट्री या वहाँ पे होने वाली किसी फिल्म शूटिंग या इस तरह का कोई जिक्र भी हो तो वो भी आपको चल के बताते हैं। तब तक ये खूबसूरत मनाजिर देखिए। ओके इधर तो ये देखिए दोस्तों, आगे रास्ता तंग है तो ये भाई साहब हमें इन्होंने रोक दिया कि आप यहाँ पे रुक जाएं, अभी रास्ता आगे तंग है, तो यहाँ इनकी इजाजत के बाद हम आगे जाएंगे। तो हम ये काई जंगल नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि सिर्फ एजेंट्स बड़ी जीप के साथ ही आगे जा सकते हैं, हम अपनी प्राइवेट कार के साथ नहीं जा सकते। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वापस नोवा होटल जाएं, वहाँ से ये गाड़ी बुक करें फिर आएं। तो अभी हमने इस फॉरेस्ट को स्किप कर दिया और वापस जा रहे हैं हम कुआलालंपुर। अब वहाँ पर जा के देखेंगे क्या एक्टिविटी हो सकती है। पुत्रा जाया हमारे पास ऑप्शन है, या किसी मॉल में जाना शॉपिंग करनी है, दोनों ऑप्शंस हैं। तो चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं कुआलालंपुर की जानिब। और ये रास्ते देखिए कितने ही डेंजरस किस्म के हैं, इनमें वाकई ही प्राइवेट जो कार है उसको अलाउड नहीं करना चाहिए। हमें इल्म में नहीं था, अगर पता होता तो हम यहाँ नहीं आते क्योंकि ये रास्ते थोड़े ख़तरनाक हैं। कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो हमें ऊपर तो नहीं उन्होंने जाने दिया। तो चाय के बागात हैं इधर, हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के श्रीलंका की याद ताज़ा करके साथ में कुछ तस्वीर हो। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त प्लांटेशन है इधर भी, और शॉट भी ज़रा अच्छे आ गए। ये जो बंदा है ना, ये फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी में कमाल है। अभी इसके व्लॉग के शॉट मैंने लिए हैं। हाँ जी, अक्सर जो अच्छे अच्छे शॉट आपको नज़र आएंगे वो इसी के मोबाइल से मैंने लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं अपना सफ़र शुरू करने, इंशाल्लाह 4-5 घंटों में हम कुआलालंपुर होंगे। तो दोस्तों, मोजी फॉरेस्ट तो हम नहीं जा सके लेकिन हमारे रास्ते में बेशुमार
ऐसे खूबसूरत मनाजिर आ रहे हैं जहाँ जिनमें से एक पे हम रुके हैं। यहाँ पे आपको आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं परिंदों की और कंटिन्यूसली जो हशरात की आवाज़ें होती हैं, और ये नज़ारा शायद कैमरे की आंख से आप वो देख पाएं। इधर देखें, पता नहीं कहाँ से दरख्त आता है और कहाँ तक जा रहा है। तो ऐसा प्योर ग्रीन है मलेशिया, ऐसा प्योर ग्रीन है और इतने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जंगलात हैं। और ये अगर वहाँ पे जूम इन करके आप दिखा पाएं शरी भाई, वो उस यहाँ पे इस इसको ये वाले को यहाँ पे वो काई आ रही है, इसको नहीं, वो सामने जो तना नज़र आ रहा है उसके ऊपर ये देखिए, इसीलिए हम वो काई वाला जंगल कह रहे थे कि इनके ऊपर तनों के ऊपर जो है वो घास और ऐसे नीचे से सब्ज़ा निकला हुआ है। तो ये नज़ारे आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या यहाँ पे आवाज़ें, मैं आपको सिर्फ खामोशी के साथ ये मनाजिर दिखाऊंगा और आवाज़ें आप सुनिएगा, ओरिजिनलिटी के साथ रहने दूंगा, फिर ज़रा फील कीजिए उसको। अभी रास्ते में बहुत से खूबसूरत मकाम रुकने के लिए बाकी हैं। ये पीछे एक वाटरफॉल है, उसके लिए हम रुके हैं। वाटरफॉल पे बाद में जाते हैं, पहले यहाँ का फ्रूट टेस्ट करते हैं, बनानास और पता नहीं यार ये क्या कुछ। अच्छा ये मैंगो है, ये मैंगो है और इसमें ये कुछ और है, इनका स्मेल ही होता है थोड़ा सा ना, फ्रूट जो है इनके अक्सर फ्रूट बहुत अच्छे हैं लेकिन स्मेल ही होते हैं। ये लीची। अच्छा जी, यहाँ हमारा प्लान हुआ है कि मैंगो बनाना, ये तो पहले खा ही रखे हैं, तो जैक फ्रूट ट्राई करते हैं। जैक फ्रूट मैंने आज तक नहीं खाया, ये देख रहे हैं, ये पूरा नहीं खाना बल्कि इसके अंदर से कुछ निकलता है और वो ये है, ये जैक फ्रूट है, इसके अंदर से निकलता है और इसको ज़रा टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। वहाँ पर कुछ और फ्रूट से यार वो थोड़ी स्मेल थी तो वो मज़ा नहीं आ रहा, तो ये जैक फ्रूट। खट्टा मीठा सा है और वो आई थिंक वो उसकी जो स्मेल आ रही ना उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ये टेस्टी है, प्योर मीठा नहीं है, खट्टा मीठा सा मज़ेदार। ये पता नहीं किस किस्म का फ्रूट है, इसकी ऐसा फूल सा बना है। और ये मैंगो एक कलर का, ये दूसरा मैंगो और वो पाकिस्तानी स्टाइल वाला कोई नज़र आ रहा है। और ये अमरूद ज़रा देखें, एक अमरूद ये एक हाथ में बड़ी मुश्किल से आएगा, ये देखें, मतलब आप देख लें पूरा हाथ है। और ये तो भाई वो छोटे छोटे खरबूजों से भी बड़ा है। अच्छा भाई सच्ची बात तो ये है कि ये खाने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया, एक एक खाया मैंने और शनी जैक फ्रूट, तो ये थोड़ा सख्त भी है, पका हुआ फुल नहीं। तो ये इधर हमने फिर ये मैंगो ऑर्डर किया, ये भाई साहब छील रहे हैं, ये रेड कलर का है, तकरीबन एक किलो का एक ही दाना हुआ है और ये दे रहे हैं 12 रिंगट पर किलो, और ये वाला हमें 6 रिंगट का मिला था, ये वाला 6 रिंगट का और ये 12 रिंगट पर केजी। तो कलर तो यार बड़ा अच्छा है, अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा निकलता है। और भी कई तरह के फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ मैंगो और है, ये अच्छा ये बड़ी अच्छी है, ये हमने होटल्स में हर ब्रेकफास्ट में खाई, नेम ये बता रहा है, वाटर एप्पल, हाँ ये वाटर एप्पल है जी, देख लें। और अमरूद देखें जी, हैं बंदा मारने के सलाहियत रखते हैं, सर में लगा होना सही तरह से, ये साव लगा सकता है, ये शायद है उसका। तो भाई जैक फ्रूट को इधर दुकान पे अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं, भाई साहब से कहा है कि किसी को दे दीजिएगा, और हम अपने अपने मैंगो का पैकेट लेके जा रहे हैं वाटरफॉल पे, वाटरफॉल के लेते हैं मज़े, साथ में खाते हैं मैंगो, और ये जो दरख्त हैं ये किसी की जान लेंगे जिसको नेचर से प्यार है। ये हाँ इस तरफ से, ये बंद है दूसरी जानिब से रास्ता, वहाँ से हम चलेंगे। तो ये वाटरफॉल बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आने के लिए कोई आपको पैसे वगैरह कोई रिंगट नहीं देने पड़ते। हो सकता है कि ऊपर कोई पॉइंट हो जहाँ पे जाने के लिए कोई पैसे वैसे हो, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये बंद किया हुआ इन्होंने यहाँ पे, ऊपर जाने के लिए शायद कोई टिकट वगैरह हो, जैसे हमें श्रीलंका में भी एक वाटरफॉल ऐसी ही मिली थी, रावना या रंगना वाटरफॉल इस तरह का नाम था। तो ये यहाँ तक जो है ये सारा बिल्कुल
आप देख सकते हैं फ्री है, लोग बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें भी वहाँ पे जाके पानी के अंदर पाँव डाल के फिर बैठ के मैंगो इन्जॉय करना चाहिए। यहाँ पे भाई जूती उतार देंगे इधर ही और पैदल चलते हैं आगे। ये प्लेस भी है वैसे बैठने के लिए, लोग फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा हैं और ये बहुत ही फिसलन है, इधर ध्यान से जाना होगा। तो ये पहुंच गए भाई हम यहाँ। अरे वाह 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 वाह, पानी तो बहुत ठंडा है भाई। अब निकालते हैं मैंगोज़, ये भी थोड़ी देर रखते हैं, ठंडे हो जाएंगे। जैसे हम पाकिस्तानियों का स्टाइल है ट्यूबवेल में आम ठंडे करके खाना। इसका जायका आपको पाकिस्तानी टेस्ट फील करवाता है, मतलब जो जायका है आप पाकिस्तानी आम फील करेंगे। बड़ा देख के मैं समझ रहा था कि शायद वैसा मीठा नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ का सबसे मीठा आम है, क्योंकि हमने दुकानदार से पूछा था, वो बता रहा था ये सबसे स्वीटेस्ट है। पानी भाई साहब बहुत ठंडा था, इसलिए यहाँ पे कोई 10 मिनट, ओ ये गिर गई 10, अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। तो पानी बहुत ठंडा था, 10 मिनट ही बैठ पाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हमने चूँकि आगे बहुत सफ़र तय करना है, इसलिए यहाँ पे मज़ीद नहीं रुकेंगे, ध्यान से उतरते हुए चलेंगे अपनी गाड़ी की जानिब। 2:45 हो चुके हैं और हम दाखिल हो गए हैं कुआलालंपुर में। यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे हमारा होटल है और ये आ गया टोल प्लाजा। हमें ये पहले एक दो दफ़ा वीडियो बनाने की कोशिश की थी, पता ही नहीं चला, लेकिन अब हम जान चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपने अपने कार्ड से पेमेंट कैसे करनी है। तो हमारे पास टच एंड गो का कार्ड है, दिखाइए शरी भाई। तो हमारे पास ये है टच एंड गो, ये वाला ये कार्ड है। तो ये देखिए हम यहाँ पे आए हैं, सामने बॉक्स इधर है ना बूथ, वेट करते हैं यहाँ पे ताकि अगली बार कार्ड में पैसे ना भी हो अगर तो गाड़ी रिवर्स करने का उस पर इतनी स्पेस हो उसके पास। ठीक है, ये भी सही है, वो बिल्कुल वो कोई मसला चल रहा है इस गाड़ी के साथ, तो बाजूकात उसके पास पैसे ना हो, कार्ड ना चल रहा हो, तो वो वापस भी आ सके। तो लेट्स सी कि वो आगे जाता है या वापस आता है। हमारे कार्ड में 20 रिंगट हैं, तो हम श्योर नहीं है कि वो 20 रिंगट काफ़ी होंगे या नहीं। अगर वो कम हुए तो फिर उसी वक्त हम पैसे देंगे और उसमें उसी वक्त पैसे देंगे और उसमें रीलोड करवा लेंगे। तो आई थिंक हमें वहाँ चले जाना चाहिए। ओके जी, हम चेंज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि वो अभी भाई साहब खड़े हैं, वो नहीं जा रहे। पहले दिन हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा ख्याल है वो अब चला जाएगा। खैर हम भी आ गए, हाँ ये कार्ड लग गया उनका। ओके जी, तो ये देखिए जनाब शहरी किस तरह करने लगा, वो बूथ लगा हुआ है, एक बॉक्स है और इस पे हमने करना है इसको पंच। ओके जी, अच्छा 16 रिंगे हमारी बॉक्स आई है यहाँ तक आने की। ठीक है ठीक है, तो 16 रिंगट ये चार्ज कर लिया इन्होंने, ऑलमोस्ट कोई 1300 रुपये तकरीबन, नहीं 700 रुपये तकरीबन, 700 जी, हाँ 700 रुपये, सॉरी 700 रुपये, कोई 150 किलोमीटर से ज़्यादा था ये। हाँ तो भाई पहुँच चुके हैं अपने होटल द फेस स्वीट, और आज हमने स्वीट बुक किया है। ये है इस होटल का इंटीरियर लॉबी से, आज मज़ा आएगा। आखिरी दिन था तो हमने सोचा कि स्वीट होना चाहिए, ताकि एक तो ज़रा इंजॉय ज़्यादा होगा इकट्ठे रहने की वजह से, और ज़रा ये अप स्टैंडर्ड है तो उस वजह से भी मज़ा आएगा। तो यहाँ हम चेक इन लेते हैं, चेक इन के बाद जाएंगे गाड़ी को पार्क करने। तो ये है हमारा स्वीट, इससे पहले हम इसको देख चुके थे, ये वॉशरूम के पास कपड़े धोने के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पे वॉशरूम और एक कमरा इधर है, 2 पर्संस यहाँ पे स्टे करेंगे। और उसके बाद ये देखिए ज़रा, आपके पास किचन है, कुछ बनाना चाहें, ओवन फ्रिज है,
ये बैठने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए जगह, और ये इसकी लुक अगर आप देखें ऐसे, और यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा रूम है, और इसमें भी, और यह डेफिनेटली अलहदा से वॉशरूम इसके लिए इधर यहाँ पे है, और ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके अगर हम व्यू को चेक करें तो व्यू कैसा नज़र आता है वो भी देख लेते। अच्छा, इधर से बिल्डिंग ही है, कोई ख़ास व्यू नहीं है, सिर्फ आपको ये टावर नज़र आता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही खुला और ज़बरदस्त है, ऐसी आपको फील आती है कि जैसे आप अपने घर के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। इस होटल में सबसे टॉप पे 51 फ्लोर पे आपको मिलता है स्विमिंग पूल, और स्काई डेस्क भी उधर ही है। तो अभी जा रहे हैं भाई अपना सीधा स्विमिंग पूल, और वहाँ पे एक घंटा गुजारने के बाद, और मुझे एक्साइटमेंट इसकी भी है कि मैंने न्यू ग्लासेस लिए इसके लिए, स्विमिंग पूल के लिए। तो लेट्स सी इसके बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इधर कार्ड स्कैन करना पड़ता है स्विमिंग पूल में जाने के लिए, और ये भाई साहब ये आ गए हम स्विमिंग पूल में। ज़रा इसका नज़ारा देखिए, सामने बिल्डिंग्स हैं और सबसे ज़बरदस्त व्यू इसी का है। डेफिनेटली वहाँ पे बंदा गिरेगा नहीं उस तरफ जाके, आगे सपोर्ट होगी, लेकिन इस पूल में मज़ा आने वाला है। वैसे आज स्विमिंग पूल में आने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसके लिए कि ये आप लगाई हो ना तो नीचे आपको बड़ा क्लियर व्यू नज़र आता है, और दूसरी आंखों में इसकी जो चुभन होती है वो भी नहीं फील होती। तो मैं इसको लगाता हूँ ऐसे करके फुली टाइट। ये वैसे आप अपने कानों में भी दे सकते हैं ताकि कानों के ऊपर प्रेशर ना बने। तो लेट्स सी, एक डाइव करता हूँ और देखता हूँ कैसा रहता है इसके साथ एक्सपीरियंस।